हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको रिव्यू दूंगा मैक्सिमा की तरफ से आने वाली लेटेस्ट स्मार्ट वॉच का, जिसका नाम होने वाला है मैक्सिमा मैक्स प्रो लाइटनिंग। एंड इस वॉच के अंदर आपको काफ़ी कमाल के फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग, मेटेलिक डिज़ाइन, 1.96 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले और उसी के साथ 650 निट्स की ब्राइटनेस एंड कॉलिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। बॉक्स की बात करें तो सिंपल सा बॉक्स है, बाकी यहाँ पर एक बार वॉच को निकाल के चेक कर लेते हैं। इस वॉच को पर्टिकुलरली मैंने ग्रे कलर में मंगवाया है एंड लुकिंग वाइज मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड प्रीमियम फील दे रही है। बाकी एक बार कुछ और बॉक्स कंटेंट्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक पिंस वगैरह नहीं दी हुई है, तो ट्रूली वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा इस वॉच के साथ। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे एक कार्ड देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर बारकोड प्रोवाइड किया हुआ है जिसको स्कैन करके आप यूज़र मैनुअल पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली पेपर सेव करने का इनिशिएट लिया हुआ है एंड उसके अलावा आप वारंटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस प्रोडक्ट के साथ आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी एंड मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें बिल्ट एंड डिज़ाइन की, तो इस वॉच का बिल्ट एंड डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि लुकिंग वाइज काफ़ी सही दिख ही रही है एंड यहाँ पे आपको पूरी मेटेलिक फिनिश देखने को मिल जाती है। क्राउन इस वॉच के अंदर वर्किंग रहेगा एंड यहाँ पे 44 mm के स्ट्रैप्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप कोई भी दूसरे स्टेप्स भी परचेज कर सकते हो। बाकी इसके साथ सिलिकॉन स्टेप्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। बाकी इस साइड की बात करें तो यहाँ पे 2 बटन्स प्रोवाइड किए हुए हैं एंड माइक्रोफोन है, और इस साइड में यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाएगा। बैक साइड में कुछ सेंसर्स वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं एंड ये अगर बात करें ओवरऑल वेट की, तो लाइट वेट स्मार्ट वॉच रहने वाली है, तो उतनी ज़्यादा बल्कि फील नहीं होती। बाकी एक बार इस वॉच को ऑन करके चेक करते हैं। तो मैक्सिमा की ब्रांडिंग के साथ ऑन हो रही है ये स्मार्ट वॉच। एंड सबसे पहले अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इस वॉच के अंदर 1.96 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें बेजल्स की, तो बेजल्स भी बहुत मिनिमम प्रोवाइड किए हुए हैं, यहाँ पे ये वाले वॉच फेस के अंदर शो हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो बहुत मिनिमम बेजल्स है इस वॉच के अंदर, टॉप में और दोनों साइड्स में बिल्कुल कम है एंड बॉटम में भी बिल्कुल थोड़े से बेजल्स हैं, तो कह सकते हैं बिल्कुल H2H डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस वॉच के अंदर। एंड साइड्स में 2.5D कर्व्स भी है, तो वो ओवरऑल इसको ज़्यादा अच्छे लुक्स प्रोवाइड करते हैं। इनबिल्ट इसके अंदर 10-11 वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप आराम से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर वॉच फेसेस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड क्योंकि बिल्कुल H2H डिस्प्ले है, तो ओवरऑल वॉच के लुक्स वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि लुकिंग वाइज काफी सही दिख रही है। बाकी अगर बात करें इसकी ब्राइटनेस की, तो 650 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि सफिशिएंट है एंड डायरेक्ट सनलाइट में भी इसका डिस्प्ले आराम से विजिबल हो जाएगा। अब अगर बात करें UI की, तो इसके अंदर नीचे की तरफ स्वाइप करके नोटिफिकेशंस वगैरह चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो आपको एप्लीकेशंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ स्वाइप करके यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं एंड ये थोड़े यूनिक है, क्योंकि बाकी वॉचेस के अंदर इस थीम के अंदर ये कंपोनेंट्स बेसिकली नहीं मिलते एंड पर्टिकुलरली मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम फील लगता है इन कंपोनेंट्स की वजह से। बाकी कमेंट करके बताना ये थीम आपको कैसा लग रहा है। बाकी यहाँ पे ये सभी कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप आराम से एक्सेस कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे एक क्लॉक और आपको मंथ और यहाँ पे डे भी बताया हुआ है एंड लेफ्ट की तरफ स्वाइप करके यहाँ पे और भी कंपोनेंट्स आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, तो कस्टमाइजेशन के काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अंदर इस वाले बटन को प्रेस करके कंट्रोल पैनल आ जाता है, तो कंट्रोल पैनल को आप यहां से आराम से एक्सेस कर सकते हो। यहां पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे एंड यहां पे आप ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हो। 650 निट्स की इसके अंदर पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर इस वाले बटन को वापस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बैक हो जाएगा एंड यहाँ पे मैं आपको कंट्रोल पैनल बता ही चुका हूँ, और एक और बार यहाँ पे प्रेस करता है, दो बार प्रेस करते ही यहाँ पे आपको रीसेंट एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे, और इस बटन को प्रेस करके एप्लीकेशंस वगैरह आ जाते हैं एंड इसको दो बार प्रेस करके देखते हैं,
तो यहाँ पे दो बार प्रेस करके थीम चेंज हो जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे थीम्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो ये इनमें से आप कोई भी अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हो। सभी थीम्स काफ़ी अच्छे हैं एंड क्राउन यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाएगा, तो क्राउन को रोटेट करके एप्लीकेशंस को आराम से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ नए थीम्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं एंड पर्टिकुलरली क्राउन वर्किंग है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इसको आप इस तरीके से आराम से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बैटरी बैकअप की, तो इस वॉच के अंदर कॉलिंग फीचर्स वगैरह यूज़ करके 2 से 3 डेज़ का बैटरी बैकअप आराम से देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है अगर दूसरी वॉचेस से कंपेयर करें तो। उसके बाद यहाँ पे चलिए अब एक एक करके इसके एप्लीकेशंस वगैरह चेक करना स्टार्ट कर लेता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फिटनेस रिलेटेड फीचर्स का, एंड आपकी हेल्थ को अच्छी तरीके से ट्रैक करके प्रॉपर ग्राफ्स के अंदर शो कर देगी डेटा ये स्मार्ट वॉच, एंड रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है एंड ओवर ऑल एनिमेशंस वगैरह भी इसके अंदर अच्छे शो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लीप मॉनिटर देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे भी एक्यूरेटली आपके स्लीप मॉनिटरिंग करके प्रॉपर ग्राफ्स वगैरह के अंदर डेटा शो कर देगी, एंड आप प्रीवियस 7 डेज की स्लीप को आराम से यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये कॉलिंग वॉच रहने वाली है, तो आप किसी को भी कॉल्स वगैरह आराम से कर सकते हो एंड अपने फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह है उनको भी सिंक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पेडोमीटर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे एक बार मैं इसके अंदर जो मेन्यू स्टाइल है इसको चेंज कर देता हूँ, शायद उस मेन्यू स्टाइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो सबसे पहले एक्टिविटी और स्लीप अपन देख चुके थे, उसके बाद है यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर, एंड हार्ट रेट सेंसर जो है एयर के अंदर कोई रीडिंग शो नहीं करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इसकी रीडिंग को मैंने ऑक्सीमीटर से कंपेयर करके भी देखा है, एंड काफ़ी हद तक ऑक्सीमीटर से रीडिंग मैच करती है, तो एक्यूरेट हार्ट रेट सेंसर इसके अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। उसी के साथ 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फोन कॉल का ऑप्शन है, एंड फोन से आप आराम से कनेक्ट करके कॉल्स वगैरह कर सकते हो। स्पीकर क्वालिटी अच्छी है, तो आप आराम से बात कर पाओगे, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पेडोमीटर देखने को मिल जाता है, 100+ स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे इस वॉच के अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि सच में काफी अच्छा नंबर है। एंड अगर बात करें पेडोमीटर की एक्यूरेसी की, तो वो भी काफी सही देखने को मिल जाती है। मैंने 100 स्टेप्स चल के देखे थे एंड 98-99 कुछ शो हुए थे, एंड पेडोमीटर की एक्यूरेसी इस वॉच की रियली यहाँ पे इंप्रेसिव है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर पूरा डेटा शो हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे SPO2 सेंसर, एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह काफ़ी अच्छे शो हो रहे हैं। बस ये बात है कि यहाँ पे कोई डेडिकेटेड रेड लाइट सेंसर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है SPO2 को लेके, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटरिंग का भी फीचर है, एंड ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर लेता है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वेदर का ऑप्शन है, फिर है मैसेजेस, जिसके अंदर फ़ोन के नोटिफिकेशंस वगैरह देख सकते हो, फिर है बेसिक से फीचर जैसे कि रिमोट कैप्चर एंड म्यूजिक प्लेयर, एंड यहाँ पे आप वॉच के अंदर ही म्यूजिक सुन सकते हो क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रिलैक्सेशन का ऑप्शन है, एंड इसके हिसाब से ब्रीदिंग करोगे तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे AI वॉइस असिस्टेंट है, फिर है यहाँ पे टाइमर यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे प्रीसेट टाइमर भी लगा सकते हो या फिर कस्टमाइज टाइमर भी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अलार्म्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अच्छी बात यह है कि वॉच के अंदर ही आप अलार्म्स सेट कर पाओगे। फिर है स्टॉप वॉच, उसके बाद है वर्ल्ड क्लॉक, उसके बाद है फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग के फीचर, उसके बाद यहाँ पे फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है, कैलकुलेटर इस वॉच के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, गेम्स इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये चारों ही गेम्स वैसे तो बहुत पॉपुलर है, बट एक बार आपको बता देता हूँ, यंग बर्ड। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे हैमस्टर, तो इस तरीके से खेल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बैटलशिप, और लास्ट में यहाँ पे देखने को मिल जाता है 2048, तो ये गेम्स देखने को मिल जाते हैं इस वॉच के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर पहला ऑप्शन है यहाँ पे डिस्प्ले का, जिसके अंदर डिस्प्ले से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं, एंड मेन बात ये है कि रेज टू वेक गेस्चर देखने को मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप ब्राइटनेस वगैरह आराम से एडजस्ट कर सकते हो, फिर है यहाँ पे वाइब्रेशन एंड रिंग, यहाँ से आप इंटेंसिटी सेट कर सकते हो। DND एंड लो पावर मोड प्रोवाइड किया हुआ है, फ़ोन से रिलेटेड ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, फ़ोन कॉल वगैरह
आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली कुछ गेस्चर्स एंड सेंसर्स और प्रोवाइड किए हुए हैं, फिर है बेसिक से फीचर्स एंड लास्ट में अबाउट सेक्शन। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे इस वॉच के अंदर देखने को मिल जाती है एंड मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी वॉच है अगर आप इसी प्राइस सेगमेंट में दूसरी वॉचेस से कंपेयर करो तो, एंड एक प्रीमियम फील डेफिनेटली प्रोवाइड करती है। तो इस वॉच को आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, बाइंग लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।